भाइयों बहनों, दोनों हाथों पर उठा के अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू गेटवे इन्फो नेटवर्क डॉक्यूमेंट्री वीडियो। थैंक यू मोदी जी। 35 करोड़ इंडियन मुसलमान जनता तहदिल से आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आरएसएस की पोस्टर बॉय हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से थैंक यू कहना आज फर्ज बनता है। हकीकत में हर भारतीय मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी, आप इनसे मोहब्बत कर सकते हो, भक्त या अंधभक्त भी हो सकते हो, आप चाहे तो नापसंद भी कर सकते हो, लेकिन आप ये नाम को इग्नोर नहीं कर सकते। 2014 में बहुमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी का तमाम सरकारी फैसले की अच्छा बुरा जो भी असर है वो एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन आज हम बात करेंगे 10 साल की मोदी गवर्नमेंट का हर एक फैसले में 30 करोड़ भारतीय मुसलमान समाज का सामाजिक विवर्तन और परिवर्तन के बारे में। आजादी के तुरंत बाद भारतीय मुस्लिम समाज धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। 30 करोड़ भारतीय मुसलमान नागरिक गहरी नींद में सोता ही रह गया। गुमराही की नींद में मसरूफ भारतीय मुसलमान धीरे धीरे कम्युनिस्ट, समाजवादी, कांग्रेसी और बाकी छोटे छोटे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रंग में खुद को रंग लिया। कुछ ने तो खुद को नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष भी बना लिया। पिछले 75 सालों में भारतीय मुसलमान नास्तिक बने, धर्मनिरपेक्ष बने, कांग्रेसी बने, समाजवादी बने, कम्युनिस्ट बने और ना जाने क्या क्या बन गया, लेकिन कभी मुसलमान नहीं बन पाया। भारतीय मुसलमान अपनी वजूद, अपनी पहचान खोते चले गए। तमाम अलग अलग छूटे हर भी पहचान को अपनाया और अलग अलग फिरके में बट गए। अलग अलग रंग और रूप में बटे हुए मुसलमान लाल बंदर की तरह बिना वजह ही उछल कूद करने में जुटे हुए थे। भारतीय मुसलमान नमाज छोड़ा, शराब को अपनाया, इल्म छोड़ के गंवार बनने लगे, जीना, बदकरी, सूद, मक्करी और फरेब में मसरूफ हो गए। इंडियन मुसलमान इस्लाम छोड़ दिया लेकिन बाकी तमाम बुराई और फितने को गले लगा लिया। कम्युनिस्ट बने मुसलमान, कांग्रेसी बने मुसलमान, समाजवादी बने मुसलमान, धर्मनिरपेक्ष भी बने मुसलमान, नास्तिक भी बने मुसलमान, अहले हदीस बने मुसलमान, बरेली बने मुसलमान, जमाती बने मुसलमान, लेकिन भारतीय मुसलमान इस्लाम को अपना के मुसलमान नहीं बन पाए। पचहत्तर सालों में हमारा मुकद्दस आलिम उलेमा बुद्धिजीवियों ने बहुत कोशिश किया कि हिंदुस्तानी मुसलमान ईमान वाले बने, हकीकत के मुसलमान बने, लेकिन हजारों मुकद्दस आलिम उलेमा और बुद्धिजीवियों की हर एक कोशिश गुमराही की दलदल से मुसलमानों को राह हक पे लौटाने में नाकामयाब रहा। 30 करोड़ भारतीय मुसलमान गुमराही की चादर ओढ़ के मुर्दों की तरह सोता रह गया। 75 साल बाद आरएसएस नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की हुकूमत में कायम किया। 2014 में दौरे जमाना मोदी जमाने में तब्दील हो गया। आरएसएस और बीजेपी की पनाह में एक खतरनाक अनजान भीड़ खड़ा हो गया। वो भीड़ मीडिया, सोशल मीडिया, सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेजों में मुसलमान नाम वाले हर कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, समाजवादी, नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष किरदारों को टारगेट किया और याद दिलाया, ए बदनसीब, गुमराही की दलदल में फंसे हुए बेवकूफ इंसान, तू मुसलमान है। 10 सालों के दरमियान लाखों बार यही अनजान भीड़ हर भारतीय मुसलमानों को याद दिलाया कि तू मुसलमान है। इस खतरनाक भीड़ ने हर बार याद दिलाया, ए बेवकूफ इंसान, ना तू नास्तिक है, ना तू कम्युनिस्ट है, ना ही तू कांग्रेसी है और ना ही तू समाजवादी है, तू साला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मोदी हुकूमत में मुसलमानों के ऊपर पड़ने वाले हर एक तमाचा, हर एक थप्पड़, हर एक जलालत ने मुसलमानों को याद दिलाया कि वो मुसलमान है। हजारों आलिम उलेमा, मौलाना और अल्लाह वालों ने जो काम 75 सालों में नहीं कर सका, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 10 सालों की हुकूमत ने वो काम कर दिया। मुर्दों की तरह गहरी नींद में सोता हुआ 30 करोड़ भारतीय मुसलमानों को नींद से जगाने के लिए ये तमाम जहालती थप्पड़ जरूरी था।
थैंक यू मिस्टर मोदी, मुसलमानों को गहरी नींद से जगाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मोदी जी, आप बतौर प्रधानमंत्री आपने 30 करोड़ मुस्लिम नागरिकों को नींद से जगा के फिर से मुसलमान बना दिया। मुसलमान आपकी एहसान हमेशा याद करेगा और आपके हक में दुआ देगा। अल्लाह ताला आपको अगला 10 साल तक और हुकूमत हिंदुस्तान की कुर्सी पे कायम रखे, क्योंकि अभी अभी नींद से जागे हुए हिंदुस्तानी मुसलमान नागरिक गुमराह की नशे में फिर से नस हो जाए। जागे हुए मुसलमान, मोदी जी को शुक्रिया कहो, थैंक यू कहो। 30 करोड़ जागे हुए इंडियन मुसलमान, तुम अपनी दास्तान इतिहास को याद करो, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है, बार बार लगातार दोहराता है। नरेंद्र मोदी और उनकी आरएसएस ने मुसलमानों को गहरी नींद से जगाया। मुसलमानों का नींद से जागना अपनी दास्तान इतिहास को दोहराने की ऐलाने आगाज है। थैंक यू मोदी जी वाला वीडियो में दिया गया दास्तान जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमारे साथ बने रहिए।